कि आप लोग के दिल में और जुनून जुनून में जो आपके बार है वह कम हो चुका है दोस्तों। अगर आप लोग टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग समझिए कि अब आप लोग के अंदर जो जुनून था धीरे धीरे कम हो जाए। लेकिन मैं हेलो धुरंधरो, क्या हालचाल, बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू चैनल धुरंधर नोट। दोस्तों, आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाइए, तो दोस्तों आखिरकार आप लोग की वीडियो आ चुकी है। दोस्तों, मैं टाइम मैनेजमेंट की वीडियो के ऊपर बनाने से पहले मैं आप लोगों से कह दूँ कि अगर आप लोग यह वीडियो देखने पड़ रही है तो इसका मतलब समझ लो कि आप लोग के दिल में और जुनून में जो आपका उबाल है वह कम हो चुका है दोस्तों। अगर आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग समझिए कि अब आप लोग के अंदर जो जुनून था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि हाँ, यह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो दोस्तों, आप लोगों से यही मैं कहूँगा कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो मत देखिए, आप लोग खुद देखिए कि आप लोग का टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। आप लोग यह हमको बताइए कि आप लोग दिन भर में 2 घंटे YouTube पर नहीं देते होंगे, 2 घंटे आप लोग Instagram पर नहीं देते होंगे, तो आप लोग वो 2 घंटे को अपने पढ़ाई में यूज करिए। आप लोग खुद अपने सोचिए कि मैं अपने 2 या 3 घंटे दिन में ऐसी जगह बर्बाद कर रहा हूँ जहाँ मैं उन समय को बचा सकता हूँ, तो उस समय को आप यूटिलाइज करिए और उस समय को आप लोग अपनी पढ़ाई पे लगाइए। देखिए, मैं आप लोग को इस वीडियो में यह नहीं बताऊंगा कि आप 7 बजे उठिए, 7 बजे से 7:30 बजे आप लोग पढ़िए, 7:30 बजे से 15 मिनट ब्रेक लीजिए, उसके बाद फिर पढ़िए, उसके बाद ये करिए वो करिए। देखिए, ऐसा आप लोग का टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता है। आप लोग क्या करिए, आप लोग सबसे पहले अपना ये रूटीन बनाइए कि हम लोग को रात में पढ़ना है कि दिन में पढ़ना है। आप लोग देखिए कि हमको कौन सा समय कंफर्टेबल लग रहा है, कौन सा समय हमारा दिमाग जो है वह एक्टिव रह रहा है। अगर हम लोगों का दिमाग रात को एक्टिव रह रहा है तो हम लेट नाइट तक पढ़ाई करेंगे, और हमारा दिमाग दिन में एक्टिव रह रहा है तो हम लोग दिन में पढ़ाई करेंगे। और मैं आप लोगों से कह दूँ, कम से कम आप लोग 4 से 5 घंटे अपने सेल्फ स्टडी को तो समय जरूर दीजिए, क्योंकि अगर आप 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी को नहीं दे रहे हैं तो आप लोग का स्कूल जाना या कोचिंग करना व्यर्थ है, क्योंकि आप लोग का स्कूल और कोचिंग जाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग की सेल्फ स्टडी। तो अपना सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, और आप लोग यह सब मत देखिए कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। आप लोग यह देखिए कि हम लोगों का टाइम कहाँ व्यर्थ हो रहा है, उस टाइम को अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज करिए। और मैं जाते जाते यही कहूँगा कि हारता वही है जो लड़ता नहीं, और जो लड़ता है वह कभी हारता नहीं। तो अभी आप लोगों का समय चल रहा है तो इस समय लड़िए और अच्छा सा स्कोर करिए और हमारे